सुनो तो चाची झील के लीची बागान की पुकार। लीची बागान में लगा गंदगी का अंबार, देखने वाला कोई नहीं। नैसर्गिक सुंदरता का धनी तोप चाची झील की खूबसूरती देखते ही बनती है। जिले में इसलिए इसे धरती का स्वर्ग भी कहा जाता है। चारों ओर पहाड़ों से घिरा नैसर्गिक झील को देखने दूर दूर से लोग आते हैं। 15 नवंबर 1924 को बिहार उड़ीसा के गवर्नर सर हेनरी व्हीलर द्वारा कोयलांचल में जलापूर्ति करने के उद्देश्य से इस झील की नींव रखी गई थी। तोपचाची झील सुंदरीकरण योजना के तहत लाखों की लागत से लीची बागान का कायाकल्प बदला गया, परंतु कुछ ही महीनों के बाद तोपचाची लीची बागान में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कोई सफाई कर्मी नहीं है जो इन गंदगी को साफ कर सके। जहां कुछ ही महीने पहले नमामि गंगे का कार्यक्रम किया गया था, इस लीची बागान का हाल बद से बदतर होता जा रहा है। सवाल उठता है, आखिर लाखों के लागत से जब इस लीची बागान का कायाकल्प बदला गया तो इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अब पता नहीं कब आला अधिकारी अपने नींद से जागते हैं और इस लीची बागान का सफाई कब होता है।